क्लियरली फर्स्ट टर्म जो है वो है 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का मतलब वो एन इज इक्वल टू 20 इन्होंने बोला। तो सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर सम ऑफ 20 टर्म्स पूछ रहे हैं, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो 20/2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 हो गया 2, 20 माइनस 1 19, 19 3 57, 57 + 2 59, और 10 5 90। तो सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया 590। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर करा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज क्या दे रखा है, 5 + 13 + 21, 5 + 13 + 21 प्लस डॉट 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 +181 +181, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये हो गया। अब इसमें देखो कोई भी मुझे सीक्वेंस दे रखा होता है ना, कोई भी एपी दे रखा होता है, तो अगर उसमें बीच में प्लस 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 के साइन लगाते चले जाएं तो उसी सीक्वेंस को हम सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। जब एडिशन होने लगता है टर्म्स का तो उसी को हम सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो मैं ये बोलूंगा क्लियरली दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। क्लियरली दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी वेयर ए इज इक्वल टू 5, बी क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 13 - 5 मतलब 8, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 8, और जो लास्ट टर्म है ना ए एन, लास्ट टर्म को हम ए एन बोल देते हैं, ये है 181। तो जब ए एन इज इक्वल टू 181 है तो इट इम्प्लाइज दैट ए एन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 181। अब ए यहाँ पर क्या है 5 + n-1, एन मुझे नहीं पता कितना है लेकिन डी मैं जानता हूँ है, ये है 8 इज इक्वल टू 181। 5 को उधर ले जाओ, एन माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 181। नहीं पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता, 2139 है, 2139 है। तो अब ये हो गया एन माइनस 1, और ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 181 - 5 कितना हो गया 176/8, तो 8 2 16, 17 - 16 1 1 6 16, 8 2 16, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो एन इज इक्वल टू 22 + 1 मतलब एन इज इक्वल टू हो गया 23, एन की वैल्यू आ गई 23। उसके बाद देखिएगा एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 23, फिर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज पूछ रहे हैं वो, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब एक चीज देखिएगा, इसी फॉर्मूले में हम एक चीज बताएंगे कि जैसे n/2 है, ये जो 2a है इस 2a को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a + a, और +n-1 इंटू डी ये अपनी जगह है ही, और a + n-1 इंटू डी क्या होता है an, ठीक।
इसको मैं लिख सकता हूँ एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, और ए एन ही तो हमारी किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं, तो इसलिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल बी होता है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने इसी में ये फॉर्मूला आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां पर मेरे पास लास्ट टर्म है 181 है, तो मुझे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर S23, ये जो एस एन है तो एन की जगह 23 डालो, तो 23 अपॉन टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए क्या है 5 और एल यानी कि लास्ट टर्म क्या है 181, तो 5 प्लस 181 23 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई 186, तो 2 9 18 और 2 3 6। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बेटा 2193 आ रहा है, 2139, ठीक है 2139 आ रहा है, 2139। अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, बेटा सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस हाँ सर, हाँ उसकी आईडी अलग है, उसकी आईडी अलग है, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, जैसे हम सीक्वेंसेस हम सीरीज कर रहे हैं, तो ये अप्लाइड में बिल्कुल सेम है, ये वाला जो है ये बिल्कुल सेम है। देवशी क्या चल रहा है अभी स्कूल में, अप्लाइड में? हाँ देवशी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ स्कूल सर में क्या चल सर रहा है। अभी तो वैसे टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे क्लॉक, कैलेंडर, ये सब। अच्छा, और बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं अप्लाइड के लिए? आरडी सर आरडी शर्मा ही फॉलो हो रहे हैं। कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। तो ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स की बात करी जा रही है, तो 3 डिजिट के जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 100, और सबसे बड़ा क्या होता है? 999। और वो बोल रहे हैं विच आर डिविजिबल बाई 7, तो फर्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, इसको आप इस काम को कहीं पर रफ में करके देख लेते हैं। यहां पर देख लो आप कि जैसे पहला सबसे छोटा 3 डिजिट नेचुरल नंबर 100 होता है, तो 100 से 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 1 7, 10 - 7 क्या हो गया 3, ये 30 हो गया, 7 4 28, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर आना चाहिए 0। 0 कब आएगा? 0 तब आएगा जब ये यहाँ पर बड़ा ही ले सकता हूं मैं, अगर मैं 101 लेता हूं तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, अगर 102 ले लेते हैं तो 4, 104 ले लेते हैं 5, 6, 30 के बाद 35, 105 लेकर देखते हैं, 105 लीजिए तो 7 1 7, 10 - 7 3, 3 5 35, 7 5 जा 35, तो ये पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है।
तो फर्स्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105, ठीक है, एंड लास्ट इज, तो अब 999 को डिवाइड करो, मैंने 999 को डिवाइड करा, 7 वन जा 7, 9 माइनस 7 हो गया 2, 29, 7 फोर जा 28, 29 माइनस 28 कितना हो गया 1, ये 19 हो गया, और 7 टू जा 14, रिमाइंडर आ रहा है 5। अच्छा तो मुझे क्या करना है, 19 19 19, 7 थ्री जा 21, दो नंबर बढ़ा दो, नहीं दो नंबर कम करने पड़ेंगे ना यहाँ पर, तो 5 नंबर कम करने पड़ेंगे, 994 994, समझ रहे हो कि अगर यहाँ पर ये 4 होता तो 14 और 14 ये कट जाता, तो 994 हो गया। Therefore, required sequence will be सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर क्या हो गया 105, उससे जस्ट बड़ा डिविजिबल बाई 7 112, उससे जस्ट बड़ा डिविजिबल बाई 7 119, फिर बढ़ते 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 आखिरी क्या हो जाएगा 994। आंसर बताता हूँ, तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ, बताओ तो सही, बड़ा ही आ रहा है, नहीं 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 81 पर तो गलत हो गया, 70,336 70,336, ये इन सब का सम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ए कितना हो गया हमारा 105, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7, और जो लास्ट टर्म है ए एन वो कितनी हो गई 994। ए एन को भी तो मैं एल बोलता हूँ, अगर मेरे पास एन होता ना तो बात बन जाती, ठीक है भाई, ए है मेरे पास, एल है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और एल क्या होता है लास्ट टर्म, काश एन होता तो बात बन जाती, तो एन कैसे निकालेंगे, इस ए एन की हेल्प से मैं एन निकाल लूंगा, है ना, ए एन की हेल्प से, ए एन इज इक्वल टू 994 है, तो क्या करेंगे, ए एन यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 994, ए क्या है यहां पर 105 प्लस एन माइनस वन, एन मुझे कैलकुलेट करना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 994, 105 को उधर ले जाओ, एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, हाँ 336 बिल्कुल। अब 994 एन माइनस वन ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 हो गया 9, यहां पर बचा 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 8 889 हो गया अपॉन 7, 7 वन जा 7 1818, 7 टू जा 14, 18 माइनस 14 127, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ गई 128, n की वैल्यू 128 आ गई। उसके बाद टोटल इसमें 128 टर्म्स हैं, अब देखिएगा सम ऑफ 128 टर्म्स इज इक्वल टू 128 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए क्या है यहां पर ए प्लस एल लिख देता हूं पहले, याद रहे ताकि फॉर्मूला, एस 128 इज इक्वल टू 26 जा 12 24 जा 8 64 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल, ए कितना है 105, एल कितना है 994, मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 9 9, 1 प्लस 9 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70,336, और मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके चेक कर लेना खुद।
उसके बाद एग्जांपल फोर है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। कर लेंगे अपने आप, छोड़ दूं, ये छोड़ रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर फोर। एग्जांपल फाइव देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, एग्जांपल फाइव। Find the sum of all odd integers find the sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3 between 2 and 100 डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, बताता हूं अभी क्या क्या। एक तो ये बोल रहे हैं कि 2 और 100 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी नहीं ऑड इंटीजर्स, जो कि 3 से डिविजिबल हैं, मुझे उनका सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 2 और 100 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, पहले तो वही देख लें, है ना। तो मैं ये कहता हूं कि 2 से जस्ट बड़ा, ये कहेंगे हम सबसे पहले ये कहेंगे कि ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100, ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 विच आर डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाई 3 आर, जितने भी इंटीजर्स हैं 2 और 100 के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल हैं, वो क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से जस्ट बड़ा, एक तो 3, वो ही 3 से डिविजिबल है। 3 के बाद अगला आता है 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, और चलते चलते 100 तक जाना है तो आखिरी क्या हो गया, 99। ठीक है, 3 के टेबल में, हाँ हाँ, अब ऑड बोला है, ये तो सारे के सारे वो इंटीजर्स हो गए जो 3 से डिविजिबल है, 2 और 100 के बीच में, मुझे तो ऑड ऑड चाहिए। 3 के टेबल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ऑल्टरनेटली ऑड और इवन नंबर आते हैं। 3 क्या है ऑड, 6 क्या है इवन, 9 क्या है ऑड, 12 क्या है इवन, 15 क्या है ऑड, अगला 18 आएगा इवन। तो ऑड इवन ऐसे आते रहेंगे नंबर। तो हम ये कहेंगे आंसर कितना आ रहा है, नहीं 867 है। अब मैं बताऊंगा अभी तुमने गलती क्या करी होगी, कॉमन डिफरेंस क्या लिया है। तो ठीक है, फिर तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 6 ही होना चाहिए। मैं ये कहूंगा यहाँ पर ये सारे के सारे जो अल्टरनेट नंबर्स हैं वो ऑड हैं, तो अब हम कहेंगे कि ऑल ऑड इंटीजर्स, हाँ इवन को हटा देना है, फिर अब इवन को हटा देना है, ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाई 3 which are divisible by 3 are, तो सारे के सारे odd integers 2 और 100 के बीच में जो कि 3 से divisible है, अब odd odd वाले लेने, तो पहला तो 3 हो गया, पहला तो हो गया 3, उसके बाद ये जो 6 है इसको गायब कर दो क्योंकि ये even है, अगला हो गया 9, फिर 12 को गायब कर दो क्योंकि ये even है, फिर अगला हो गया 15, ऐसे करते करते जो लास्ट वाला ऑड है, ऑड ही तो है लास्ट वाला 99, तो ये चलेगा। तो अब मैं ये कहूंगा कि ए कितना हो गया यहाँ पर 3, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 3 या 15 माइनस 9 कुछ भी करो, कॉमन डिफरेंस हो गया 6, और जो लास्ट टर्म है यानी कि ए एन, ये हो गया 99। आ गया आंसर सही आ गया, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 99, इसमें लगाइए आप फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू 99, तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी।
इज इक्वल टू 99। अब ए क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 6 इज इक्वल टू 99। एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 99 माइनस 3। एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 99 माइनस 3 कितना हो गया 96। 6 16 का 96 तो n कितना हो गया 17। सिंस Sn is equal to n by 2 into a plus l, मैं यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ अगेन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म मौजूद है, नहीं तो मैं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d लगाता। अब Sn क्या है, n आ गया 17, तो S 17 is equal to 17 by 2 into a क्या है 3 plus last term क्या है 99। तो 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 99 प्लस 3 कितना हो गया 102। तो 2 5 जा 10 और फिर 2 1 जा 2, तो 17 इंटू 51 क्या हो जाएगा 17 1 जा 17 1 कैरी 17 5 जा 85 और 1 86 तो 867। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है पार्थ, क्लियर है पार्थ, शिवांश, लक्ष्य? यस सर। ओके शिवांश क्लियर है, शिवांश, हर्षित? यस सर। यस सर। कृति, दिवस, देवशी? यस सर। आस्था क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद में अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ईपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, थोड़ा सा इधर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, 20 लिखा है यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 and seventh term is 2 more than and seventh term is 2 more than thrice of its third term, thrice of its third टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7। हम ये कहेंगे गिवन थर्ड टर्म यानी कि ए थ्री इज इक्वल टू 7। अब ए थ्री को क्या बोलूंगा मैं, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 7, ये हो गया। हाँ और ये बोल रहे हैं एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, एंड सेवंथ टर्म इज 2 मोर देन, सेवंथ टर्म क्या है थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म यानी कि 3 ऑफ ए 3 थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, प्लस 2 कर दो,
सेवंथ टर्म क्या है, टू मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म में टू ऐड कर दो तो वो सेवंथ टर्म के इक्वल हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ए सेवन क्या हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी, थ्री इंटू ए थ्री क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी प्लस टू, तो ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू थ्री इंटू ए कितना हो गया थ्री ए, थ्री इंटू टू डी कितना हो गया सिक्स डी और प्लस का टू। अब ए और डी वाली टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस थ्री ए, और अच्छा सिक्स डी से तो सिक्स डी कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस थ्री ए इज इक्वल टू टू, तो ए माइनस थ्री ए कितना हो गया माइनस टू ए इज इक्वल टू टू, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक है, ए की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर वन में डालकर डी की वैल्यू निकाल देंगे, देखिए कि ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन वन, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में डालें, तो ए की जगह माइनस वन प्लस टू डी इज इक्वल टू सेवन, माइनस वन उधर चला जाएगा, टू डी इज इक्वल टू सेवन प्लस वन, तो d इज इक्वल टू हो गया फोर, a की वैल्यू आ गई माइनस वन और d की वैल्यू आ गई फोर, ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब मेरे पास a है, d है और n की वैल्यू दे रखी है 20, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है, तो फिर इसमें सम का ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, वो लंबे वाला 2a plus n minus 1 into d, वो लगाएंगे। तो अब Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन इन्होंने कितना दे रखा था, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो एन इज इक्वल टू 20 था, तो एस 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन टू, ब्रैकेट में टू इंटू ए कितना है माइनस वन, प्लस एन माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन, इंटू डी कितना है फोर, टू टेन जा 20, 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू और 20 माइनस वन हो गया 19, 19 फोर जा 76, हाँ हाँ लास्ट टर्म निकाल निकाल सकते, 76 माइनस टू 74, 74 टेन जा 740, बताइए यही आ रहा है, यही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर सेवन, ये एनसीईआरटी का है। द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स of an AP is 56. The sum of the first four terms of an AP is 56. Full stop. The sum of the last four terms is 112. The sum of the last four terms is 112. Full stop. If its first term is 11, if its first term is 11, comma, then find the number of terms. Then find the number of terms
एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें, बस मैं एक मिनट में आ रहा हूँ पानी पीकर, आप लोग ट्राई करें जरा इसको। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स 56, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स 112, देखो क्या होगा। ज्यादा ही जोर से आवाज नहीं आ रही इसकी। सॉल्यूशन इसका, लेट द एपी बी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी लाइक दिस। एपी तो नॉर्मल जो एपी है वो यही होता है, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी। हाँ, चार टर्म्स जो हैं तो वो क्या हो जाएगी, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। हाँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी कभी ये होता है कि सिर्फ चार ही टर्म्स हैं एपी में, तब तो हम वो ले लेंगे ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, जब सिर्फ एपी में चार ही टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं मुझे पता ही नहीं, वो तो पूछ रहे हैं ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहली चार टर्म्स का सम कुछ दे रखा है और लास्ट के चार टर्म्स का सम कुछ दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, सबसे बड़ी बात यह है, तो हमारा काम हो जाएगा। अभी देखिएगा, गिवन सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 56। चलिए तो सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, अब ये वैसे तो मैं क्या कर सकता हूँ, एस फोर निकाल सकता हूँ, है ना, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन चार टर्म्स मुझे वैसे ही नजर आ रही है तो वैसे ही लिख दो ना, ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 56। अब ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो लिखो 4a, b प्लस टू डी 3d, 3d प्लस 3d 6d, 56। अब a की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 11। खैर वो निकालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो ये हो गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 56, तो 228 का 56 ये हो गया। ये करने के बाद एक काम और करते हैं, अब a की वैल्यू मेरे पास है 11, तो a की वैल्यू डाल देंगे, टू इंटू 11 प्लस 3d इज इक्वल टू 28, तो 22 उधर चला जाएगा, 28 माइनस 22, तो 3d कितना आ गया, 6, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है 11 और हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 2, ये आ गया। अच्छा अब वो बोल रहे हैं द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज 112, सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज 112, ये है। वो लास्ट फोर टर्म्स क्या होंगी वो देखिएगा, अब आप एक चीज देखो जरा, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स इज इक्वल टू 112। अब जरा मेरी बात समझना आप, लेट द एपी बी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट, इसमें आखिरी टर्म क्या होगा अगर एन टर्म्स है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आखिरी टर्म। इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, जस्ट पहले वाली टर्म सोचो भाई, यहां पर a प्लस टू डी था, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये वाला जो नंबर है, ये एक कम हो गया, 1d हो गया। आप चार टर्म्स देखो, यहां पर क्या था 3d, तो a तो एज इट इज रहा, लेकिन 3d की जगह इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या हो गया, 2d, तो उससे एक वैल्यू कम हो गई, मतलब 3 माइनस 1 हो गया। तो ऐसे ही n माइनस 1 से भी एक वैल्यू कम हो जाएगी, n माइनस 1 से एक वैल्यू कम क्या होगी, n माइनस 2, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, नहीं समझे, नहीं समझे, ये यहां पर 3d था, ये था हमारा फोर्थ टर्म, ठीक,
फिर इससे एक टर्म, इससे एक जस्ट टर्म पहले वाला, थ्री से एक वैल्यू कम कर दिया मतलब थ्री माइनस वन कर दिया तो टू आ गया। ऐसे एन माइनस वन माइनस वन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर। समझ रहे हैं बेटा या नहीं बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? यस सर। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स क्या होगी, ए प्लस एन माइनस फोर इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 112। बताइए सभी को क्लियर है? दिवस, कृति, लक्ष्य, पार्थ बताओ। यस सर। समझ गए? ठीक है, तो ये n माइनस वन था, इससे एक वैल्यू कम करी तो n माइनस वन माइनस वन, n माइनस टू, फिर इससे एक वैल्यू कम करी n माइनस टू माइनस वन, n माइनस थ्री, इससे एक वैल्यू कम करी n माइनस थ्री माइनस वन, n माइनस फोर हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम a वाली टर्म्स देखेंगे, तो a वाली कितनी टर्म्स है, वन टू थ्री फोर, तो a को चार बार ऐड करा क्या हो गया, फोर ए, प्लस b वाली कितनी टर्म्स है, वन टू थ्री फोर, सब में से d कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 112। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये। हाँ, अब देखो n प्लस n प्लस n प्लस n, 4n हो गया, 4a प्लस b इज इक्वल टू ये हो गया 4n, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस टू माइनस नाइन माइनस वन माइनस टेन इज इक्वल टू 112। अब a और d की वैल्यू पता है, डाल दो यहां पर, 4 इंटू 11 प्लस बी कितना है 2, तो 2 इंटू 4n माइनस टेन इज इक्वल टू 112। ठीक है, 4 इंटू 11 हो गया 44, 2 इंटू 4n हो गया 8n, 2 इंटू माइनस टेन हो गया माइनस का 20 इज इक्वल टू 112। 8n 44 माइनस 20 कितना होगा बेटा, 24 इज इक्वल टू 112, तो 8n इज इक्वल टू, हाँ, 112 माइनस 24, तो 8n इज इक्वल टू 12 माइनस 4 हो गया 8, यहां पर बचा 10, 10 माइनस 2 हो गया 8, 8 11 जा 88, n इज इक्वल टू 11 आ गया, 11 टर्म्स। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए भाई, लक्ष्य को तो आ गया। यस सर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी एनसीईआरटी का है। Example 8. If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, is Pn plus Qn square, comma, where P and Q are constants, comma, find the common difference.
एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। याद है ये फॉर्मूला कि नहीं? नहीं याद होगा, आपके सिलेबस में से हट चुका था, टेंथ में ये करवाया ही नहीं था। एक काम करिए, बस इतना लिखकर छोड़िए, इसको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है ना? बच्चे भी आज कम है, सभी को दोबारा बताना पड़ेगा, आगे के क्वेश्चंस फिर मैं करवाता हूँ। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पता है भाई कल रक्षाबंधन है, शायद ना कर पाओ, मौका मिले कर लेना, भेज दूंगा, ठीक है? चलिए चलिए भाई, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ओके ओके।